एक्टर में बनने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसे एक बार मैं जो नोट्स हैं उनको वापस रिकैप करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम वेक्टर में एक पैरेललोग्राम लॉ होता है वेक्टर का, उसे पढ़ रहे थे। अभी कुछ स्टूडेंट्स आज ही जुड़े हैं तो थोड़ा उनको हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन अगर थोड़ा सा आप वेक्टर का जो आइडिया है आपको, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनको स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल होते हैं। इसके अलावा जो स्केलर क्वांटिटीज़ है उनके एग्जांपल जैसे कि मास हो गया, है ना, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। आप गाड़ी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, चाहे 10 मीटर पर सेकेंड या 1 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, आप गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, तो आप कहाँ पे पहुँचने वाले हो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी की डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से ओवरऑल हमें फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ होती है उनका विशेष ध्यान रखना होता है कि कुछ क्वांटिटीज़ तो वेक्टर नेचर की होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और कुछ क्वांटिटीज़ स्केलर नेचर की होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो हम इन्हीं क्वांटिटीज़ के साथ खेल रहे थे, इन्हीं के साथ अपन वेक्टर क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को जान रहे थे। और इसी में ही लास्ट क्लास में अपन ने वेक्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ा जिसे पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन कहते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि कोई दो वेक्टर ए और बी मान लो किसी थीटा एंगल पर हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि कोई इधर से खींच रहा है आपको, कोई इधर से खींच रहा है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्टेंट जो खिंचाव है ना, रिजल्टेंट धक्का, मान लो कोई इधर से आपको धक्का दे रहा है और इधर से धक्का दे रहा है, तो कोई आपको रिजल्टेंट धक्का इस तरफ ही लगेगा। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट जो होता है इस पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम बनाया, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो विकर्ण होता है, वो वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट को शो करता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस बी हो गया। और यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ से अगर मान लो अल्फा एंगल बनाता है, तो इस रिजल्टेंट का एक तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से तो हम ए और बी का जो रिजल्टेंट आने वाला है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और ये हमारा जो रिजल्टेंट आया ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे अल्फा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या है फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से टेन अल्फा का ये फॉर्मूला आता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो उसका रिजल्टेंट आर वेक्टर को ही रिजल्टेंट वेक्टर आया, यानी कि दोनों का नेट आउटकम, है ना। रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है कि दो कोई वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी वस्तु पे या किसी चीज़ पे लग रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आउटकम है, नेट आउटकम, उस नेट आउटकम का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और टेन अल्फा कितना आता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो बस ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10 और थीटा 60 डिग्री। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए 10 हो गया, बी 10 हो गया, प्लस 2ab cos 60, यहाँ पे थीटा 60 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड का 10√3। और यहाँ पे जब 10 अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ से 10 अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है 10 sin 60 अपॉन 10 प्लस 10 cos 60। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है 1/√3। तो ये देखो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूले कितने ज़्यादा और अपन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ और क्वेश्चन से हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उस क्वेश्चन में अपन इन फॉर्मूलों को यूज़ करने वाले हैं।
फॉर्मूले क्या थे? एक तो मैग्नीट्यूड जो होता है आर वेक्टर, जो कि ए और बी का मैग्नीट्यूड है. आर मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड है. तो इसकी वैल्यू क्या आती है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा आती है. और टेन अल्फा की वैल्यू जो आती है वो आती है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा. तो ये फॉर्मूले आए थे. इन फॉर्मूलों का अब अपन क्या यूज़ है, कैसे यूज़ किया जाता है उसे सीखेंगे. तो जैसे ये दो वेक्टर हो गए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी. इस ए का मैग्नीट्यूड तो है स्मॉल ए और बी का मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी. दोनों अगर मान लीजिए किसी थीटा एंगल पर हो तो इनका जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, जैसा कि मैं एक बार वापस इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है ये आर वेक्टर आएगा. ये आर वेक्टर रिजल्टेंट जो है जो ए और बी के एडिशन से मिलके बना है. तो इस रिजल्टेंट आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है, मान लो यहाँ से अल्फा है और इसका मैग्नीट्यूड जो है उसकी वैल्यू आएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से आएगी. अब देखो मैं ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, इसकी फील करते हैं, इसको फील करते हैं, इसको समझते हैं. जैसे एक कोई छोटा सा बच्चा है, मान लो ये कोई बच्चा है ऐसे क्लास में बहुत ही प्यारा सा, और हर कोई इसको छेड़ता रहता है ना. ये छेड़ता भी रहता है इसलिए हर कोई इसको छेड़ता भी रहता है. एकदम इस तरह से है ये प्यारा सा नन्ना सा बच्चा है. अब छेड़ते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, आपको पता ही है, एक दूसरे को धक्का देते हैं. तो इधर से मान लो मोहन ने धक्का दिया, इधर से मोहन ने धक्का दिया इसको, कितने का? 10 न्यूटन का धक्का दिया. एक मोहन नाम का बच्चा दूसरा था, मैं नाम लिख देता हूँ मोहन, और मोहन ने कितना धक्का दिया इसको? 10 न्यूटन का फोर्स इसको दिया, इस छोटे से इस बच्चे को, प्यारे से बच्चे को. और दूसरा धक्का इसी डायरेक्शन में किसने दिया? देखो वेक्टर को फील करना आप, है ना. वेक्टर्स क्या है, अपनी डेली लाइफ में वेक्टर के फिनोमिना होते रहते हैं. और दूसरा धक्का किसी दूसरे बच्चे ने दिया और उसकी वैल्यू है कोई 3 न्यूटन, है ना. 3 न्यूटन है, मोहन ने 10 न्यूटन का धक्का दिया. और दूसरा कोई बच्चा है जैसे राजू मान लो है, राजू है ना, राजू, उसने 3 न्यूटन का धक्का दिया. अब आपसे पूछे कि इस बच्चे पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? टोटल फोर्स ऑन किड, टोटल फोर्स ऑन किड, इस छोटे से बच्चे पे कुल बल कितना लगेगा अगर आपसे ये पूछा जाए? तो देखो आप क्या करोगे, है ना, क्या करो, कितना आएगा बताओ. हाँ सुनील ने बिल्कुल सही आंसर दिया. देखो 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, तो मैं देखो इसको ऐसे ले सकता हूँ कि 10 न्यूटन इधर है ना, और दूसरा भी 10 न्यूटन 3 न्यूटन इधर है. तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है. तो एक 10 से धक्का दे रहा है और एक 3 न्यूटन से धक्का दे रहा है ना. तो यहाँ पे देखो एक 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है और एक 3 न्यूटन से धक्का दे रहा है. ये तो 10 न्यूटन से दे रहा है और ये 3 न्यूटन से दे रहा है. तो सिंपल सी बात है, एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 न्यूटन हो जाएगा. ये आंसर आ जाएगा अपना, है ना, ठीक है. लेकिन मैं ये फॉर्मूला जो है ना, देखो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यही सेम सॉल्यूशन जो है वापस डिस्क्राइब करता हूँ किसे, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो फॉर्मूले की फीलिंग जो है आपको पता चलेगी, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल केस है. क्योंकि इसमें जो 3 न्यूटन और 10 न्यूटन का जो वेक्टर है दोनों, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं 10 न्यूटन को तो बोल सकता हूँ वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और 3 न्यूटन जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है. यहाँ पे जो वेक्टर ए और बी है उसमें ए का मैग्नीट्यूड तो अपन 10 न्यूटन ले सकते हैं, और जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन ले सकते हैं. और उनके बीच में जो थीटा है, देखो 10 न्यूटन भी इधर है, 3 न्यूटन भी इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री है. ये आपको पहचानना आना चाहिए, 10 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है. अब देखो ये जो फॉर्मूला है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, हम देखो ये भी कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना. रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा. अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी ये तो अभी निकाल चुके हैं अपन. जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 13 न्यूटन आया. यहाँ पे आंसर आ चुका है ये वाला. अब देखो इस फॉर्मूले से यही सेम आंसर अपन निकालेंगे.
इस फॉर्मूले में ए 10 न्यूटन रख दो, बी 3 न्यूटन रख दो, थीटा 0 डिग्री रख दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो आता है ये देखो कितना आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना हो गया 10 का होल स्क्वायर प्लस बी, बी कितना हो गया 3 न्यूटन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2a into b into cos, कितना हो जाएगा ये cos, थीटा की जगह रख देंगे हम cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर का जो वैल्यू है ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू रूट में 10 का स्क्वायर ये हो गया 100 प्लस 3 का स्क्वायर, या फिर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वैसे ही रखते हैं, ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 10 into 3 इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू आएगी, देखो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट चला जाएगा, तो मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, वैसे कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, इसको 10 का स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये ट्वाइस ऑफ 10 into 3 हो गया। तो एक तरह से ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है, जैसा कि हम जानते हैं आपको ये फॉर्मूला आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इसे जब ओपन अप करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना। तो ये इनइक्वालिटी हमें ध्यान में रखनी होती है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है एलजेब्रा का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। इसी चीज़ को देखो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ए कितना है 10 है, बी 3 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना, या तो आप इसको पूरा 100 लिख लेना, ये 9 लिख देना, ये 60 हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना, मैं वो भी कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, फिर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आउटकम कितना आ जाएगा अपना 13 ही आ जाएगा। लेकिन या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 9 प्लस 13 into 2 60, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 169, और 169 का रूट कितना होता है, ये हो जाता है 13 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे ये 13 न्यूटन इस फॉर्मूले से भी आ गया और ये हमारी फीलिंग से भी आ गई। ये तो देखो कैसे आया है, ये आया है फ्रॉम फीलिंग, जो हमारे अंदर की फीलिंग है ना, हमारे अंदर की फीलिंग ने एक 13 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आंसर लेके आया। और ये कहाँ से आया है, फॉर्मूला से आया है। तो देखो फिजिक्स में आप चेक कर सकते हो, फॉर्मूला और फीलिंग दोनों साथ साथ चलता है। इस केस में फीलिंग से 13 न्यूटन आएगा, लेकिन इस केस में 13 न्यूटन आया है फॉर्मूला से। तो इन फिजिक्स बोथ फीलिंग एंड फॉर्मूला मूव्स टुगेदर। सर हाँ बोलो, यस बोलो। तो यहाँ पे फॉर्मूला और फीलिंग्स दोनों ही सही आंसर दे रही है। आई बच्चा सर हाँ बोलो। सर ये आपने आर ऊपर वो डॉट लगाया प्लस इक्वल्स टू ए डॉट अपॉन प्लस बी डॉट है, ये किधर गया, आपने फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज नहीं किया कौन सा AB cos थीटा ना, ये वाला है इधर वाला, ये फॉर्मूला में आपने दिखाया है ना आर आर के बाद में वाला, हाँ अच्छा ये यहाँ पे, वाला, हाँ ये लिख हाँ सकते हो, यहाँ लिखने को आवश्यकता नहीं है। ये सर ये लिखेंगे तब तो सर आंसर ये आ रहा ही नहीं है, तो 10 प्लस 13 10 प्लस 13 कैसे आ रहेगा, ये नहीं सर, लिख रहा, ये तो इसके मैग्नीट्यूड है, ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये तो वेक्टर फॉर्म है, फाइनल आउटकम तो इस फॉर्मूले से आता है। ये दोनों तो मैंने इसके इक्वल किया है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है ना उसका मैग्नीट्यूड का इक्वल ही आ गया, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आंसर तो इससे आएगा, हमारा फॉर्मूला ये है। इससे आंसर आ गया मेरा हाँ तो इसी से आएगा, इससे वो। थोड़ा ना आएगा, ये तो क्या है केवल सिंबल है, दिखाने का तरीका है ए और बी का मैग्नीट्यूड। मतलब आर का मैग्नीट्यूड है वो ए और बी, हाँ ये है, देखो आर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो है आर वेक्टर। आई बात समझ में, ठीक ठीक है, जो ए और बी को जब ऐड करते हैं तो ऐड करने से उन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ही क्या है, अपना आर वेक्टर है। ठीक है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, 13 न्यूटन आएगा। आई बात समझ में, तो फॉर्मूला और फिलिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि फॉर्मूला और फिलिंग फिजिक्स में साथ साथ चलता है।
ये तो फॉर्मूले से है और ये फीलिंग से है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखो ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा और मैं फिर प्रूव करके बताऊँगा आपको कि फॉर्मूला और फीलिंग कैसे साथ में चलता है। मैं वापस इसी बच्चे को लेता हूँ, देखो इसी बच्चे को। बस इस बार इस बच्चे के साथ क्या हुआ, बेचारे के साथ, कि इधर से कोई इसको धक्का दे रहा था 10 न्यूटन से, और इधर से कोई धक्का दे रहा है इसको, कोई मैं उल्टी डायरेक्शन से धक्का दे देता हूँ इस बार इसको। इधर से कोई धक्का दे रहा है इसको, मान लो ये 20 न्यूटन से धक्का दे रहा है, और ये कोई धक्का दे रहा है यहाँ पे 5 न्यूटन से। तो इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस पे, एफ नेट कितना होगा इस केस में, फटाफट बता दो कितना होगा। आपकी फीलिंग क्या कहती है कि कितना रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए इस बच्चे के ऊपर, जल्दी से आंसर बताइए मुझे। बिल्कुल सही सुनील, और बाकी बच्चे भी बताओ इस पे नेट फोर्स कितना होगा। ये जो बच्चा है, मासूम सा बच्चा, जिस पे पीछे से तो धक्का कोई दे रहा है 20 न्यूटन से, और आगे से कोई धक्का दे रहा है 5 न्यूटन से। बिल्कुल सौम्य बादू, और बाकी भी बताओ, सोचिए कितना होगा। फीलिंग क्या कहती है, मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा, पहले अपन सॉल्यूशन करेंगे इसका फीलिंग से, कि फीलिंग्स हमारी कितना कहती है कि इस पे कितना फोर्स लगना चाहिए। तो हमारी फीलिंग क्या कहती है कि भाई पीछे से कोई 20 न्यूटन का धक्का दे रहा है, पीछे से कोई 20 न्यूटन का धक्का दे रहा है और आगे से 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट डेफिनेटली एफ नेट कितना लगना चाहिए, 20 में से 5 चला जाएगा, यानी कि 15 न्यूटन ही लगेगा। मैंने देखो फॉर्मूला नहीं लगाया, 20 में से कितना चला गया, 5 चला गया। तो फीलिंग कहती है कि भाई 15 न्यूटन का फोर्स लगा, बिल्कुल लगा, फीलिंग सही कह रही है। अब यही काम अपन फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूले में मैं इसे मान लेता हूँ ए वेक्टर है, तो ए की वैल्यू 20, और ये बी वेक्टर है, बी का वैल्यू हो गया 5 न्यूटन। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना होगा, मेरे को कोई बता सकता है क्या? ये जो 20 न्यूटन है और 5 न्यूटन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? जैसे यहाँ पे एंगल कितना था, यहाँ पे तो 10 और 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, मैंने अभी बताया आपको। वैसे ही ये जो वेक्टर है 20 न्यूटन और 5 न्यूटन, इनके बीच में एंगल कितना है, क्या कोई बता सकता है? अब देखो मैंने फीलिंग से तो ये क्वेश्चन कर लिया, अब देखो फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे, यही सेम क्वेश्चन फॉर्मूले से करेंगे, फ्रॉम फॉर्मूला। जो सूत्र था ना अपना, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन करने वाले हैं, यही सेम, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले से करने के लिए 20 न्यूटन इधर है और इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, है ना। मैं इस 5 न्यूटन को उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो एक ही बात है, इस 5 न्यूटन को क्या किया मैंने, उठा के यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया 5 न्यूटन को उठा के यहाँ से। क्यों? क्योंकि वेक्टर का मैंने ना तो डायरेक्शन चेंज किया ना मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन यहाँ लग रहा था, मैं उसको उठा के यहाँ तक ले आया। अब देखो यहाँ से लाने से क्या होगा, ये तो अपना है 20 न्यूटन वाला फोर्स और ये इधर वाला है 5 न्यूटन वाला फोर्स। तो यहाँ पे अगर ले आते हैं, अब देखो वेक्टर को क्योंकि टेल से टेल मिलाना जरूरी है, तो टेल से टेल मिलाते हैं, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो बेटा। जाएगा। तो इस बार जो 20 न्यूटन और 5 न्यूटन है, उनके बीच में थीटा कितना है, 180 डिग्री का है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना। और अपना ए जो है फॉर्मूले में रखने के लिए, ए तो हो गया 20, बी जो है फॉर्मूले रखने के लिए हो गया 5 न्यूटन। अब देखो फॉर्मूला क्या था, जो रिजल्टेंट होता है कोई दो वेक्टर ए और बी जब थीटा एंगल पे हो, तो उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से आता है। अब देखो मैं वैल्यू रखते जाता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर, ए कितना है, ए है 20, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 5 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ए है 20 बी है 5, और यहाँ पे हो जाएगा अरे फिर कॉस थीटा में। माइनस में हो नहीं होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? अभी देखो यहाँ पे देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा माइनस प्लस, मेरे को तो इतना फॉर्मूला पता है बस, है ना, ये फॉर्मूला पता है बस, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। मैंने तो ये आइडेंटिफाई किया ए 20 है, बी 5 है, थीटा 180 डिग्री है ना। अब देखो मैं कॉस 180 की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो कॉस 180 डिग्री जो होता है, ये आप वैल्यू ध्यान में रखना, ये वैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में अपन सीखते हैं, ये -1 होती है,
कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। और इसके लिए जो पहले से मैंने एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने बताया था, लेकिन जो बच्चे नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं कॉस 180 की वैल्यू, तो वो ध्यान में रखें कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर देखो कितना आ जाएगा, रूट में 20 का स्क्वायर ये हो गया 400, प्लस 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, प्लस ट्वाइस ऑफ 20 × 5 यानी कि ये हो जाएगा 200, और कॉस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू आ जाएगी √400 + 25 -200। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ जाएगा, रूट में 400 में से 200 गया 200, 200 में 25 ऐड किया तो ये हो जाएगा 225। अब 225 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 225 15 का, हाँ 225, 15 हाँ बिल्कुल, तो 15 ही होता है ना, तो ये 15 न्यूटन आ गया। अब देखो हमारी फीलिंग ने भी क्या कहा था, 15 न्यूटन कहा था, और हमारे फॉर्मूले से भी कितना आ गया, 15 न्यूटन आ गया। तो आप चेक कर सकते हो, देखो फॉर्मूले से भी वही सेम आंसर आया और फीलिंग से भी वही सेम आंसर आया। तो ये दोनों केसेस जो थे देखो, ये तो था जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन थे और मैंने यहाँ पे फीलिंग से और फॉर्मूले से दोनों से आंसर निकाला। अब आप बोलोगे कि सर जब फीलिंग से आंसर आ रहा है तो ये तामझाम क्यों, ये इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लिखवाया, ये इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों हमने डेराइव किया रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर के माध्यम से, तो ये इतना तामझाम क्यों जब फीलिंग से ही काम चल रहा है, तो वाई वी आर चूजिंग फॉर्मूला, है ना। अब देखो फीलिंग का काम जो है, फीलिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, बिल्कुल चल रही है इस वाले केस में, इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी फीलिंग जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, मान लो यही बच्चा मैं दोबारा ले लेता हूँ, यही जो बच्चा था, ये प्यारा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना बच्चा, ठीक है, ये बच्चा है बहुत बढ़िया बच्चा है, सभी का कहना मानता है, पर बच्चे जो हैं दूसरे इसको धक्का देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको धक्का लगा है ज़िंदगी में, ये धक्का खाता रहता है, तो इसको धक्का दे रहे हैं मान लो और कोई दूसरे बच्चे फिर, लेकिन इस बार जो बच्चे हैं वो धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देने की प्रक्रिया जो है, एक बच्चा धक्का इसको इधर दे रहा है, ठीक है, एक बच्चा धक्का इसको इधर दे रहा है और दूसरा बच्चा धक्का इसको ऊपर से नीचे की ओर दे रहा है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा ले लेता हूँ, थोड़ा और इसको इलोबरेट कर लेते हैं, एक बच्चा धक्का इसको इधर दे रहा है ना, इधर इधर ऐसे कुछ दे रहा है ऐसे, ठीक है, एक बच्चे ने ऊपर की ओर इसको धक्का दिया और दूसरे बच्चे ने ऐसे धक्का दिया या फिर ऐसे धक्का दिया, मान लो ऐसे धक्का दिया, किसी एंगल पे धक्का दिया, है ना, मैं इसको 90 डिग्री पे भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, मान लो किसी ने इसकी चोटी खींच ली ऊपर की ओर, तो मैं ये वाला केस ले रहा हूँ कि कोई इसकी चोटी पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा है ना, चोटी को पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा है और बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं बच्चे, बहुत शैतान बच्चे हैं क्लास में, और इसको इधर से तो किसी ने 10 न्यूटन का धक्का दिया इस सवाल में, अब इधर ऊपर चोटी की ओर जो खींच रहे हैं, चोटी की ओर इसको खींच रहे हैं कोई, लेट सपोज, लेट से मैं इसको तो ले लेता हूँ कोई 8 न्यूटन, यहाँ पे 8 न्यूटन से तो इसको धक्का दे रहे हैं इधर, और 6 न्यूटन से ऊपर की ओर खींच रहा है कोई दूसरा बच्चा इसकी चोटी को। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई एफ नेट क्या होगा, एफ नेट ऑन किड, इस बच्चे पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो अब ये सवाल जब आपके सामने आए, तो मैं जब आपको बोलूँगी चलो 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 फीलिंग से सॉल्व कर लो, चलो 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 फीलिंग से सॉल्व कर लो, तो फीलिंग से क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, आपकी फीलिंग क्या कहती है कि कितना फोर्स आना चाहिए ये, व्हाट डज योर फीलिंग सेज। अच्छा अब जैसे मनीषा, मनीषा ने बोला कि फीलिंग कहती है कि 8 + 6 हो जाएगा, यानी कि 14 न्यूटन हो जाएगा, ऐसा कुछ हमारी फीलिंग मान लो ये कहती है 14 न्यूटन, लेकिन एक्चुअल में ये गलत आंसर है, दिस इज़ नॉट एक्चुअल में राइट आंसर, ये सही आंसर नहीं है, इसका कारण समझेंगे अपन, ना तो 14 नंबर सही है, और एक फीलिंग सोमे भादु की कहती है कि यहाँ पे फीलिंग कहती है 7 न्यूटन होना चाहिए आंसर, तो 7 न्यूटन जो है ये भी सही नहीं है,
ये भी गलत है, इस ये फीलिंग भी ठीक नहीं है ना, ना तो 7 न्यूटन है ना ही 14 न्यूटन है इस केस में, क्योंकि आप खुद सोचिए ये 8 न्यूटन है और 6 न्यूटन से ऊपर की ओर खींच रहा है, तो यहाँ पे 8 और 6 जो है ये एक दूसरे से कितने एंगल पर, देखो अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल देखूँ तो ये 90 डिग्री पे एंगल है इन दोनों के बीच में। जयदीप ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया जयदीप, बहुत अच्छे लक्ष्य, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखो ये 8 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, मैं इनको थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, तो देखो 8 न्यूटन फोर्स तो आपका इधर लग रहा है ना, और ऊपर की ओर कितना लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है अपना 6 न्यूटन फोर्स, ऊपर की ओर 6 न्यूटन लग रहा है और इधर लग रहा है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन लग रहा है। अब इन दोनों का जब समेशन करेंगे तो डायरेक्ट वेक्टर एडिशन इज नॉट डायरेक्ट एडिशन, जैसे मैं कहता तो हूँ कि वेक्टर ए प्लस बी, लेकिन दिस इज नॉट ए सिंपल एडिशन, ये बात ध्यान में रखना, ये एक सिंपल एडिशन की तरह नहीं है कि आप 8 प्लस 6 14 कर दोगे, ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन है, इज नॉट सिंपल एडिशन, इज नॉट लाइक सिंपल एडिशन, इज नॉट लाइक सिंपल एडिशन। तो ये गलती आप ना करें, ये कोई साधारण एडिशन नहीं है, इसके अपने तामझाम हैं, इसके अपने नखरे हैं, तो उन नखरों की ही बात करते हैं, उस नखरों को पूरा करने के लिए ही तो ये फॉर्मूला आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो फीलिंग फेल हो गई है, ये फीलिंग जो है ना 14 न्यूटन 7 न्यूटन, दीज आर द रॉन्ग आंसर, ये सही नहीं है, यहाँ पे हमारी फीलिंग फेल हो गई। अब फेल हो गई तो अब सही फीलिंग कैसे आएगी, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab कॉस थीटा, तो यहाँ पे इस बार थीटा है 90 डिग्री, जो वेक्टर ए है वो उसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन और जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। अब देखिए, गौर से देखिए, समझिए, जो मैग्नीट्यूड है आर का वो आएगा इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके, तो ए की जगह तो रख देंगे अपन 8 का स्क्वायर प्लस बी की जगह रख देंगे हम 6 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए 8 × 6 इंटू कॉस 90 डिग्री, थीटा की जगह हमने वैल्यू रख दी। तो यहाँ से अब देखो, अब चेक करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ रहा है, तो ये देखो वैल्यू आ जाएगी रूट में 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 को जिसके साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 0 के साथ रहता है वो 0 रह जाता है, तो ये 0 आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया रूट में 64 और 36 हो जाता है 100, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा, 100 का रूट बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कोई 10 न्यूटन आएगा, और ये किसी इस डायरेक्शन में हमारा आने वाला है, इस डायरेक्शन में कहीं पे ये 10 न्यूटन होएगा, ये हो जाएगा 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये डायरेक्शन भी अपन निकाल सकते हैं, देखो ये अगर मान लो एंगल अल्फा हो तो अपन से पूछा जाए, देखो ये आंसर आया है, फॉर्मूले ने इस बार सही आंसर दे दिया, अब आप सोच सकते हो ये फॉर्मूले ने सही आंसर दिया पर फीलिंग ने सही आंसर नहीं दिया, अब आपको इस फॉर्मूले की इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी कि फॉर्मूला तो जब केसेस बहुत आसान हो, जब सिचुएशन बहुत सरल हो, तभी फीलिंग काम आती है, लेकिन फॉर्मूला जब सिचुएशन आसान हो चाहे मुश्किल हो, फॉर्मूला हमेशा काम आता है, इसी वजह से हम फॉर्मूले का डिराइव करते हैं, एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं कि कोई दो वेक्टर किसी भी एंगल पर हो, ये तो मैंने 90 लिया है, आप 60 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, आप जिसकी जो इच्छा हो वो एंगल ले लीजिए, आपका ये फॉर्मूला जो है कभी भी फेल नहीं होगा, ये खासियत है फॉर्मूले की, इसी वजह से हम फॉर्मूले को साथ में लेके चलते हैं। और फॉर्मूले का एक और शानदार उपयोग देखिए, कि अगर मुझे ये पता लगाने हो कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा उस इस बच्चे पे रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, मतलब ये बच्चा किधर की ओर मूव होगा, तो मान लो ये बच्चा यहाँ पर इस तरफ कोई मूव होने वाला है और यहाँ से इस पे कोई फोर्स सर लगेगा। हाँ बोलो। सर आप किसके पास बुक गए या फिर आप बेसिक पढ़ा रहे हो? नहीं, इसका बुक होता है, मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वैसे तो एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है वो रहता है, या फिर इसके जो स्टडी मटेरियल है उसका जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, है ना।
यस सर, भेज देना वो आज। हाँ, तो वहां से भी आप पढ़ लेना। अब देखो, ये 10 न्यूटन अपन चेक करते हैं कि किस एंगल पे जा रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेक कर दी हो कि कितने अल्फा एंगल पे जा रहा है। तो उसके लिए जो 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ये फॉर्मूला क्या काम आता है? ये काम आता है कि आपका जो रिजल्टेंट आया, आपका जो रिजल्टेंट, जो परिणामी आया, जो नेट फोर्स लग रहा है इस बच्चे, वो कौन सी डायरेक्शन में, यानी कि वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगा, उसे निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ से 10 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बी, बी तो है हमारा 6, बी साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ए कितना हो गया हमारा? 8 न्यूटन हो गया, प्लस बी कॉस थीटा, तो बी की वैल्यू हो गई 6 × cos हो जाएगा 90। तो यहाँ पे देखो, जब इसे सॉल्व करेंगे आगे होम प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल मैं क्वेश्चन दूंगा होम प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ से 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6 × sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो 6 × 1 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे हो जाएगा 8 + 6 × cos 90, cos 90 हो जाता है 0। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 / ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 8, यानी कि 10 अल्फ़ा की वैल्यू आती है 3/4, और 10 अल्फ़ा 3/4 आया। तो आपको ये वैल्यू, मैं वैसे आपको याद रखनी होती है, इस केस में जो अल्फ़ा होता है वो 37 डिग्री होता है। जैसे एंगल्स जो होते हैं ना अलग अलग, 30 डिग्री पे 10 की वैल्यू होती है 1/√3, 60 डिग्री पे होती है √3/2। तो ये जो 3/4 आया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होगा, यानी कि ये जो बच्चा है उसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कोई 37 डिग्री पे कोई इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। तो ये कमाल की बात है फॉर्मूले की, जहाँ पे फीलिंग फेल हो गई लेकिन फॉर्मूले ने हमें देखो कितनी ज़्यादा अच्छी जानकारी दे दी, हमें नेट फोर्स दे दिया और नेट फोर्स की डायरेक्शन तक तक दे दी कि किस डायरेक्शन में वो मूव होने वाला है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो ये फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा और 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जहाँ पे फीलिंग काम ना करे वहाँ पे फॉर्मूला काम कर जाता है, यही काम है इस फॉर्मूले का। और कितनी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल समस्या हो, वहाँ पे फॉर्मूले का हल मिल जाएगा। मैं आपको होम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। मैं होम प्रैक्टिस के लिए, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं होम प्रैक्टिस पे, जब कल की क्लास होगी तो कल की क्लास के स्टार्टिंग में मैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। मान लो कोई वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर बी कोई इस तरफ है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं इस तरह से अपन ले रहे हैं, इनके बीच में एंगल है कोई 60 डिग्री, और इधर वाला वेक्टर जो है इधर, यानी कि यहाँ पे कोई बॉक्स है, मान लो कोई बच्चा है, बॉक्स है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसे इधर से तो कोई खींच रहा है, इधर से तो कोई खींच रहा है इसे कोई मान लीजिए 5 न्यूटन से, और इधर से कोई खींच रहा है इसे 5 न्यूटन से इधर से। तो आपको पता लगाना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में डायरेक्ट नेट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन निकालनी है। फाइंड आउट नेट फोर्स एंड देयर इट्स डायरेक्शन, फाइंड आउट नेट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। तो सभी जितने भी क्वेश्चन में दे रहा हूँ उनमें आपको कुल बल निकालना है एक तो, और उस बल की दिशा क्या होगी, कुल बल एवं उसकी दिशा ज्ञात करो, कुल बल एवं उसकी दिशा, है ना, उसकी दिशा ज्ञात करो, दिशा ज्ञात करो। तो ये आपका सवाल है, मैं पहला सवाल है ये, मैं और आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, क्वेश्चंस और करते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका कोई एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर कोई इस तरफ है। मैं एंगल थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ इस बार, इनके बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है। यहाँ पे ये वैल्यू है 10 न्यूटन और ये वैल्यू है 10 न्यूटन,
तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? मान लो ये बक्सा है, कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का जिस पे फोर्स लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, एक तो 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है और एक 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल है उनकी वैल्यू है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के केस में, इस स्थिति में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपको पता लगाना है। आपको बस फॉर्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि इन केसेस में फीलिंग यहाँ पे काम नहीं आने वाली है। फीलिंग केवल और केवल ऐसे जो केस थे जहाँ पे एंगल जो है फोर्सेस के बीच में या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो ही फीलिंग काम आती है। बाकी सभी केसेस में फीलिंग का हो जाता है टाटा बाय बाय, वहाँ पे केवल और केवल फॉर्मूला ही काम आता है। और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल कोई 30 डिग्री का है, ठीक है। दो फोर्स लिए मैंने, ये इधर 30 न्यूटन का एंगल हो गया, 30 डिग्री का इनके बीच में, ये है कोई 20 न्यूटन और ये है कोई 10 न्यूटन। तो इस केस में आपको बताना है कि क्या होगा फाइनल आंसर हमारा, ठीक है। तो एक ये सवाल है। अच्छा, इसको 10/√3 ले लेना, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए सॉल्व करना। तो ये तो है 10/√3 न्यूटन और ये है 20 न्यूटन, तो क्या आएगा फाइनल आंसर इस केस में भी? तो ये सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो ये तीन सवाल जो है आपको सॉल्व करने हैं घर से, और कल मैं इन सवालों को, कल की जो अपनी क्लास होगी, मैं उसमें डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे देखो, cos 120 की आपको वैल्यू की आवश्यकता होगी, तो cos 120 डिग्री की जो वैल्यू है, वैसे तो आपको बेसिक्स मैथ्स में मैं सिखाता हूँ पर कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, तो cos 120 की वैल्यूज होती है वो माइनस में हाफ लेनी है आपको, ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाकी cos 60 cos 30 की वैल्यू 10th क्लास में, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आप सीख के आते हो, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर 10th क्लास में आपने पढ़ी है तो sin cos tan इनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी आती होगी, वरना बेसिक्स का सर, एक। हाँ बोलो। सर आपके पास पुरानी क्लासों का रिकॉर्ड है? हाँ, पुरानी क्लासेस सारी अपनी यूट्यूब जो चैनल है जिसका मैंने लिंक भेजा है, वहाँ पे सारी सीक्वेंस वाइज रिकॉर्डेड पड़ी है। जो ओके बेसिक्स सर, होता है ना उसमें लगभग 15 या 10-15 क्लासेस होगी, है ना, तो वो आप देख सकते हो, मैंने लिंक भेज रखा है वैसे, ठीक है। और 2-4 दिन सर एक बार आप, दोबारा भेज देना। हाँ मैं दोबारा भेज दूंगा, और 2-4 दिन रेगुलर जब अटेंड करते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको चीज़ें कम समझ में आ सकती हैं, लेकिन धीरे 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 आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये अपना तरीका रहेगा। तो आज के लिए अपन यहीं रखते हैं, यहीं तक। बायो की क्लासेस थोड़े दिन और वेट करते हैं अपन, है ना, अभी क्योंकि समर्स का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो